पुलिस शिकंजे में आया अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर केस का मुख्य आरोपी। नागपुर में एनजीओ चलाने वाले इरफान खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। मामले के सभी 7 आरोपी गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर अमरावती हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी गई। महाराष्ट्र के अमरावती में उदयपुर जैसी वारदात का शक। अमरावती पुलिस के मुताबिक नूपुर शर्मा के समर्थन में हुई है हत्या। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। अलकायदा ने किया दावा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। उदयपुर प्रशासन ने 10 घंटे कर्फ्यू में छूट दी। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू से मिली राहत। उदयपुर हत्याकांड में 4 आरोपी की जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी। कोर्ट में वकीलों ने की आरोपियों की पिटाई। 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में रहेंगे सभी आरोपी। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में आज जयपुर में प्रदर्शन। सर्व हिंदू समाज करेगा हनुमान चालीसा का पाठ। उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। आज बेगमपेट में होने वाली बीजेपी की रैली को भी करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में किया प्रदर्शन। आरती में भी शामिल हुए, पूजन अर्चन भी किया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज होगा चुनाव। बीजेपी से राहुल नार्वेकर और शिवसेना से राजन सालवी उम्मीदवार। कल शिंदे का बहुमत परीक्षण।